लखनऊ में गोमती के किनारे से पेड़ हटाने की तैयारियां, तो गोमती के किनारे से हटाए जाएंगे 64,000 पेड़। तो ये बड़ी खबर डिफेंस एक्सपो के लिए, ये पेड़ हटाने की तैयारी की जा रही है जिसमें 64,000 पेड़ों को हटाया जाएगा। सैन्य उपकरणों के प्रदर्शन और अन्य सुविधाओं के लिए ये पेड़ हटाए जाएंगे। डिफेंस एक्सपो खत्म होने के बाद गोमती किनारे पर नए पेड़ लगाए जाएंगे। तो एलडीए ने दोबारा पेड़ लगाने के लिए नगर निगम से 59 लाख रुपए की मांग की है। तो 5 से 8 फरवरी के बीच आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो और डिफेंस एक्सपो को लेकर ही 64,000 ये पेड़ हटाए जाएंगे। तो 5 से 8 फरवरी के बीच ये एक्सपो आयोजित होना है जिसको लेकर गोमती के किनारे लगे पेड़ों को हटाने की तैयारी है। तो 64,000 पेड़ों को इस दौरान हटाया जाएगा। हालांकि एलडीए का ये कहना है कि एक्सपो खत्म होने के बाद इन पेड़ों को दोबारा लगाया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने बजट भी मांगा है। तो डिफेंस एक्सपो खत्म होने के बाद नए पेड़ लगाए जाएंगे जिसको लेकर 59 लाख रुपए की मांग जो है वो एलडीए ने की है। तो 5 से 8 फरवरी तक डिफेंस एक्सपो चलेगा और इसको लेकर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तो लखनऊ में गोमती किनारे लगे पेड़ों को हटाया जाएगा और बड़ी संख्या में पेड़ हटेंगे। 64,000 पेड़ों को टारगेट यहां पर किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो के लिए पेड़ हटाने की तैयारी है। सैन्य उपकरणों के प्रदर्शन और अन्य सुविधाओं के लिए ये पेड़ हटाए जाएंगे।